त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर तीसरे चरण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पंचायतों में पंचायत से जुड़े विभिन्न पदों के उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं इस बार काफी संख्या में युवा भी इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरनी से मुखिया पद के युवा प्रत्याशी अजय कुमार रंजन दृढ़ निश्चय के साथ अपने क्षेत्र की तमाम समस्या अथवा पंचायत में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के वादे के साथ लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं पंचायत वासियों का भी उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। मौके पर उन्होंने कहा कि जनता इस बार युवाओं को मौका दें ताकि नई सोच और नए तरीके से पंचायत को विकास की ओर ले जाया जा सके। अजय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आप बिरनी पंचायत में बिरनी मुखिया पद पर आप विजय प्राप्त करने के बाद आपका क्या लक्ष्य रहेगा? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को प्रणाम करता हूं और बिरनी पंचायत के समस्त मतदाता बंधुओं को मेरा प्रणाम है और बिरनी के युवाओं को विशेषकर मेरा जोहार नमस्कार। मैं अजय कुमार रंजन सबसे कम उम्र का मुखिया प्रत्याशी हूँ बिरनी पंचायत से और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं बिरनी पंचायत को एक निश्चित रूप से एक नया आयाम दूंगा। मैं एक जुझारू नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करूंगा बिरनी पंचायत में। मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 12 साल से लूट खसोट, राशन किरासन, विधवा पेंशन और तरह के पेंशन में जिस प्रकार से लूट मची हुई है, कोई आवास के नाम पर 25,000 रुपया 21,000 रुपया दलाल रखा गया है लोगों को लूटने के लिए। ये लूट खसोट जो मचा हुआ है, निश्चित रूप से इन दलालों को मैं बिरनी पंचायत से खदेड़ने का प्रयास करूंगा और बिरनी पंचायत में एक नया आयाम को गढ़ूंगा मैं। और मैं बिल्कुल युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। मैं युवा के दम पर आज यहाँ खड़ा हूँ और निश्चित रूप से मुखिया बनकर मैं ये वादा नहीं करता कि मैं क्या करूँगा, मैं किसी का बिल्डिंग छाड़ दूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बिरनी पंचायत में सबसे बेहतरीन कार्य यदि कोई करेगा तो जिला में एक अजय कुमार रंजन बिरनी पंचायत में करेगा। धन्यवाद।